ज्ञान देव होस्ट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल ज्ञान देव होस्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बैल के आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ITBP मेडिकल ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2019 के बारे में। तो चलिए आपको उसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, जानकारी देने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए आगे भी इसी प्रकार के जॉब अपडेट्स लेकर के आता रहूं। तो चलिए अब शुरू करते हैं और मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दे देता हूं, इसलिए आप इस वीडियो को देखते रहिए। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंडो ताइवान बॉर्डर फोर्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ITBP बोलते हैं। नेम ऑफ पोस्ट, मेडिकल ऑफिसर, स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर एंड सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर की निकाली गई है। नंबर ऑफ वैकेंसी 496, यानी कि यह पद 496 वैकेंसीज के लिए निकाले गए हैं। कैटेगरी पुलिस जॉब्स, दोस्तों ये भर्ती पुलिस जॉब्स के अंतर्गत आती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद आपकी पोस्टिंग अक्रॉस इंडिया के अंदर होगी। और वैसे मैं आपको बता दूं कि आप भारत के किसी भी राज्य से इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी कि ऑल इंडियन कैंडिडेट्स इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 2 अप्रैल 2019 है। लास्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 1 मई 2019 है, यानी कि 2 अप्रैल से लेकर 1 मई 2019 तक आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो। अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगा, यानी कि आप इसमें ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर पाओगे, ऑफलाइन माध्यम से आप आवेदन नहीं कर सकते। ऑफिशियल वेबसाइट ITBP police.nic.in, इसी वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर पाओगे। दोस्तों, अब मैं आपको इस भर्ती के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि इन पोस्ट पर आवेदन करने के लिए आवेदकों के पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास MBBS या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा DM MCH होल्डर, यानी कि जिनके पास इनमें से कोई एक योग्यता है, वो लोग इन पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपको ये जानना है कि किस पोस्ट के लिए एग्जैक्टली कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, तो उसके लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए। मैं आपको वीडियो के लास्ट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन से इसके बारे में कंप्लीट जानकारी और अच्छे से देने वाला हूँ। एज लिमिट, यानी कि आवेदन करने वाले आवेदकों की आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है वो 50 साल है, और मिनिमम एज लिमिट सभी पोस्ट के लिए 18 या 21 साल रहेगी। स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल है और मेडिकल ऑफिसर के लिए एज लिमिट 30 साल है। और दोस्तों, अब मैं आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में बता देता हूं कि आपको किस कैटेगरी कैंडिडेट्स को आयु सीमा के अंदर कितनी छूट दी जाएगी। तो दोस्तों, SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट दी जाएगी आयु सीमा के अंदर, और OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट दी जाएगी। इसका मतलब मैं आपको एक बार अच्छे से बता दूं कि जो कैंडिडेट्स इन पोस्ट पर आवेदन कर पाएंगे, उनकी अगर वो सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर पोस्ट पर आवेदन कर रहे हैं, तो उनकी उम्र 50 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर पर आवेदन कर रहे हैं, तो 40 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। और अगर मेडिकल ऑफिसर पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं एप्लीकेशन फीस के बारे में, यानी कि आवेदन करने के लिए आपको कितनी एप्लीकेशन फीस देनी होगी। जनरल मेल और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स को आवेदन करने के लिए ₹400 एप्लीकेशन फीस के रूप में देने होंगे। SC ST फीमेल या सर्विसमैन कैटेगरी कैंडिडेट्स को आवेदन करने के लिए किसी भी प्रकार की फीस देने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि ये कैटेगरी कैंडिडेट्स फ्री में आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात की जाए, तो आपका सिलेक्शन इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा, इसमें आपका कोई एग्जाम नहीं होगा। दोस्तों, अब मैं आपको सैलरी के बारे में बताता हूं कि आपको किस पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाने के बाद कितनी सैलरी दी जाएगी। तो दोस्तों, आपको सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाने के बाद ₹78,800 से लेकर ₹2,09,200 पर मंथ दिए जाएंगे, और स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के लिए आपको जो सैलरी दी जाएगी वो ₹67,700 से लेकर ₹2,08,700 पर मंथ दिए जाएंगे। और जो आपको मेडिकल ऑफिसर असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट के लिए सैलरी दी जाएगी वो ₹56,100 से लेकर ₹1,77,500 पर मंथ दिए जाएंगे। अब मैं आपको वैकेंसी डिटेल बता देता हूँ और आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी देता हूँ। सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर सेकंड इन कमांड के लिए 4 पद निकाले गए हैं, और सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर डिप्टी कमांडेंट के लिए 175 पद निकाले गए हैं, जिसमें BSF के लिए 56 पद है, CRPF के लिए 85 है, SSB के लिए 19 पद है, ITBP के लिए 6 पद है, और असम राइफल्स के लिए 6 पद है। मेडिकल ऑफिसर असिस्टेंट कमांडेंट के लिए 317 पद है, जिसमें BSF के लिए 102 है, CRPF के लिए 21 है, SSB के लिए 59 है, ITBP के लिए 107 है, और असम राइफल
राइफल्स के लिए 28 पद निकाले गए हैं। और दोस्तों ये थी आपकी वैकेंसी डिटेल के बारे में जानकारी। अब मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक और अप्लाई ऑनलाइन लिंक के बारे में जानकारी देता हूँ। दोस्तों अगर आपको उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है या उसको रीड करना है तो डायरेक्टली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का डायरेक्ट लिंक दे रहा हूँ और साथ ही साथ आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक भी दे रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप डायरेक्टली उस पेज पर चले जाओगे जहाँ पर आपको अपना फॉर्म भरना है और आप अपना फॉर्म बहुत ही आसानी से भर पाओगे। दोस्तों जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो कि इसमें आवेदन होने शुरू 2 अप्रैल 2019 के बाद हो गए, तो अभी जो अप्लाई ऑनलाइन लिंक है वो एक्टिवेट नहीं होगा। 2 अप्रैल 2019 के बाद वो लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन मैं आपको लिंक देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को इस वीडियो के अंदर दिखा देता हूँ। दोस्तों जैसा कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे हो, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि ITBP की तरफ से रिलीज किया गया। आप यहाँ पर देख सकते हो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है ये। अब मैं आपको यहाँ पर वैकेंसी वाइज आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ कि किस पोस्ट के लिए आपसे एक्जैक्टली कौन सी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। जैसे कि सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के लिए जो सेकंड इन कमांड में है, जो आपसे योग्यता मांगी गई है वो है मेडिसिन MBBS की योग्यता या फिर इसके बराबर कोई योग्यता, और साथ ही शुड बी इनरोल्ड इन एनी स्टेट मेडिकल रजिस्टर मेंशनड अंडर द एक्ट, एंड शुड हैव कंप्लीटेड कंपल्सरी रोटेशनरी इंटर्नशिप एंड शुड हैव ऑल्सो पोसेस पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा इन द रिलेटेड स्पेशलिटी मेंशनड इन सेक्शन ए और सेक्शन बी, यानी कि आपके पास इनमें से योग्यता होनी चाहिए और आप साथ ही स्टेट मेडिकल में रजिस्टर्ड भी होने चाहिए। और दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो कि सभी पोस्ट के लिए अलग अलग जो क्वालिफिकेशन रखी गई है और अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं वो आप यहां पर अच्छे से रीड कर सकते हो। सभी पोस्ट के लिए अलग है तो ये जानकारी आप यहां पर देख पा रहे होगे। और इसी प्रकार से आप एज लिमिट के बारे में भी अगर आपको जो जानकारी मैंने बताई है उसमें कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो क्लैरिफिकेशन आपका यहाँ से दूर हो जाएगा, यानी कि आपको उस क्लैरिफिकेशन का आंसर मिल जाएगा। तो आपको ये जानकारी भी यहाँ से आप वीडियो को पोस्ट करके देख सकते हो और मेथड सिलेक्शन भी आप यहाँ पर चेक कर पा रहे होंगे। और दोस्तों मैं आपको मेथड सिलेक्शन के बारे में बता दूं, जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा, एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बाय ए बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स ऑफिसेस एट डेस्टिनेशन सेंटर टू असिस्ट दियर सुटेबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट इन CAPFs, यानी कि आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाओगे और उसके बाद आपकी सुटेबिलिटी चेक की जाएगी कि आप आगे प्रोसेस के लिए रेडी भी हो या नहीं हो, यानी कि आप उनके जो एक उनका आपका जो टेस्ट लिया जाएगा उसमें आप क्लैरिफाई कर पाते हो जो आपसे पूछा जाता है, तो अब तभी आपको आगे के लिए रेफर किया जाएगा। मेडिकल एग्जामिशन के लिए यहाँ पर डिटेल्स दी गई है कि आपका मेडिकल एग्जामिशन किस प्रकार का रहेगा, तो ये जानकारी भी आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। दोस्तों तो जो मेन जानकारी थी वो मैं आपको इसके बारे में दे चुका हूं, और अगर आपको इस जानकारी संबंधित कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप उसके लिए मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में आपसे ये कहना चाहूंगा कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बैल के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूले, क्योंकि उसी से आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएंगे। जय हिंद दोस्तों।